गाइस, आज मैं आप सभी के लिए मिठाई की रेसिपी लाई हूँ, जिसको आप भैया दूज पे बनाकर अपने भाइयों को खिला सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं। गाइस, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल कुक विद जेके। आज मैं शेयर कर रही हूँ गाइज आप सभी के साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी, जिसको आप गाइज बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसको रेडी कर सकते हैं। देखिए गाइज कितना टेस्टी लगेगा इसको खाने में। तो गाइज चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, उसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना हो। तो गाइस हमने स्ट्रेन कर लिया है इसको, अब हमने एक पैन में डाल लिया है इसको और गैस ऑन कर ली है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। गाइस इसमें अभी मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन में। गाइस टोटल इसमें 6 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे हम, 2 हमने कर लिया है, 4 टेबलस्पून अब ऐड कर रहे हैं। इतना घी सफिशिएंट है हमारे लड्डू के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और इसको अच्छे से भूनेंगे। गाइस इसमें खुशबू आने लगी है, अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जिसको ज्यादा पसंद है मीठा वो ज्यादा डालिए, अदरवाइज कम ही डालिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। देखिए गाइस चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, अब इसमें दूध ऐड करेंगे और एकदम से घुमा लेंगे इसको, क्योंकि दूध जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बेसन में। और दूध डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए गाइस हमारा मिक्सचर रेडी है और अब इसमें 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। गाइज इसको हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हैंड से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, एक साथ कंबाइन हो जाएगा ये। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, आप नहीं भी डालिए तो भी अच्छा लगता है ये। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम थोड़ा सा ले लेंगे और लड्डू की शेप देंगे इसको। देखिए गाइज ऐसे ही लड्डू की शेप देनी है। गाइस आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, मैंने थोड़े स्मॉल साइज में बनाए हैं। देखिए गाइस सबसे पहले थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसको फिर राउंड राउंड करेंगे हैंड पर। देखिए और हमारा लड्डू जो है वो रेडी है। ऐसे ही सारे मिक्सचर का हम बना लेंगे लड्डू, प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने लड्डू प्रिपेयर कर लिए हैं। देखिए गाइस गाइस अब हम लड्डू को डेकोरेट कर लेंगे रोज के पेटल से और कुछ ड्राई फ्रूट्स के। गाइस अब हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं लड्डू पे, जिससे ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और खाने में तो टेस्टी है ही। गाइस अगर सुंदर चीज खाते हैं तो और ज्यादा मजा भी आता है। तो गाइस ड्राई फ्रूट हमने लगा दिए हैं, अब हम रोज के पेटल इस पे लगा रहे हैं, जिससे और ज्यादा सुंदर लगता है। गाइज रोज के पेटल भी हमने लगा दिए हैं और हमारे लड्डू जो हैं वो एकदम रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। तो गाइज इस फेस्टिवल में आप इस लड्डू को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा सबको। तो गाइज हमारे लड्डू जो हैं वो एकदम रेडी हैं, एकदम टेस्टी डिलिशियस लग रहे हैं। गाइज इफ यू लाइक माई रेसिपी ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। Try this recipe. It is very easy, simple, tasty, delicious, sweet. Thanks for watching Cook with JK, guys.